अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये सभी को पता है कि यूजी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 सेशन का वो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लगभग 95% तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो नॉन सीयूटी का स्पॉट राउंड, फाइनल राउंड जो हमारा था, नॉन सीयूटी का स्पॉट राउंड जो था, उसकी भी कल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 16 सितंबर को कंप्लीट होगी। अब उसकी भी विदिन 1 या 2 डेज उसकी भी एडमिशन की प्रोसेस जो होगी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब एडमिशन की प्रोसेस आपकी तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी क्लासेज की। तो क्लासेज के हवाले से इस वीडियो में हम के साथ बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्लास वर्क शेड्यूल के बारे में। तो देखिए, जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर है, उन्होंने यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही नोट्स जारी किया था कि 18 सितंबर यानी कि कल मंडे से यहाँ पे क्लासेस जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने ऑफिशियल नोट्स भी जारी किया और उन्होंने कॉलेजेस को भी यहाँ पे कहा कि एडमिशन जो नॉन सीयूटी का स्पॉट राउंड हमारा चल रहा है उसकी 18 से पहले एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि 18 से यहाँ पे क्लासेस आपकी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो क्लासेस अब आपका कन्फर्म है, क्लासेस आपको कल से लगेंगी। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको कहाँ से लेनी है, क्या कुछ लेनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है उसका यहाँ पे कल आपका पहला दिन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो यही जो ग्रेजुएशन के 3-4 साल होते हैं, ये आपकी लाइफ के क्रूशियल ईयर्स होते हैं। इनमें आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, और यहीं से आपकी कैरियर की जो है वो असली शुरुआत यहाँ से आपकी होती है। अभी तो 10th 11th 12th तो वो तो नॉर्मल लेवल तक ही होता है, लेकिन जो आपकी कॉलेज की स्टडी या ग्रेजुएशन के 3 साल या 4 साल होते हैं, यही आपका जो कैरियर होता है वो उसी पर डिपेंड होता है। यहीं से आप कोई बड़ा एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो, इसी से आप किसी मतलब जॉब पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब उसके लिए भी अभी आप एलिजिबल हो, या कोई बड़ा एग्जाम आप मतलब क्वालिफाई करोगे, यहीं से आप क्वालिफाई उसको भी करोगे। तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए। तो बाकी अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, तो बाकी कोई मसला है नहीं। तो अब यहाँ पे आपकी क्लासेस जो होंगी वो यहाँ पे कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके हवाले से यहाँ पे एक तो आप अपना जो आपको कॉलेज अलाट हुआ है, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिलेगी। अगर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको नोट्स नहीं मिल रही है तो आप तो भी कल जो कंफर्मेशन के लिए कॉलेज चले जाएं। वैसे कॉलेज वाले तो नोट्स निकालेंगे, मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको बोला था कि एक आधा दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई इशू उसका होता नहीं है। तो 18 से अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला क्लासेस का, फिर कॉलेज वाले 2-4 दिन तो आगे पीछे उसको ले ही लेते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको नोट्स वहाँ पर नहीं मिल रही है तो आप चाहें तो आप कॉलेज फिजिकली विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर टाइम टेबल वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपको वहां से चेक हो जाएगा। और कॉलेज की वेबसाइट पे आपको नोट्स अगर नहीं मिले तो आप वहां पे चले जाएं, और अगर आपको कॉलेज की वेबसाइट पे नोट्स मिल रहा है तो उसमें जो आपका शेड्यूल दिया गया होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस का जो शेड्यूल होगा उसको फॉलो कीजिए। और अगर नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो फिर कॉलेज में फिजिकली विजिट कीजिए, वहां पर आपको जो नोट्स होगी वो आपको मतलब वहीं से कन्फर्मेशन मिलेगी कब से क्लासेस हैं, क्या कुछ क्लासेस है। मैंने पहले बोला 2-4 दिन कॉलेज वाले आगे पीछे लेते हैं, उसका नॉर्मल मसला होता है, वो कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे इशू आपका है नहीं। और उसके साथ साथ आपको रोल नंबर जो होंगे वो आपको वहीं से मिल जाएंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और उसके बाद यूनिफॉर्म के हवाले से हर कॉलेज अपनी वेबसाइट पे नोट्स निकालेगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। बाकी अभी तो अच्छी तरह से क्लासेस लगी नहीं है, तो मे बी 5-6 दिन तक कॉलेज की वेबसाइट पे आपको यूनिफॉर्म की भी नोट्स आ जाएगी। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट यूनिफॉर्म होती है, उसकी नोट्स आ जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी यूनिफॉर्म वगैरह होगा तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी क्लासेस के हवाले से आप कॉलेज की वेबसाइट चेक कीजिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने तो क्लियर किया कि मंडे से क्लासेस आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा जो है वो 2023 के मतलब 2022 से ही यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन यहाँ पे लागू किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लास मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो दिसंबर के मंथ में आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो जो यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन उसका जो कैलेंडर आपका आया था उस पर तो मैंने लास्ट ईयर ही डिटेल वीडियो डाला था। मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास उसका PDF वगैरह कहीं से मिला मुझे, अगर मेरे पास सेव था तो मैं वो आपको समझा दूंगा, PDF को आपको समझा दूंगा, क्या कब क्लासेज, छुट्टियाँ वगैरह सारा कुछ उसमें मैंशनड है। लेकिन फिलहाल आप रफली समझ लीजिए कि दिसंबर में आपका जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। कॉलेज के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपकी क्लास वर्क का नोट्स आपको मिल जाएगा। और कॉलेज की वेबसाइट भी आप चेक कीजिए तो वहीं से भी आपको नोट्स मिल जाएगी। बाकी हमारे पास अगर किसी कॉलेज की नोट्स वगैरह आ गई तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल दूंगा सेपरेटली। तो मैं हर कॉलेज की जो नोटिफिकेशन होगी उस पर तो वीडियो में डाल नहीं सकूंगा, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उस नोट्स को फॉरवर्ड करके आपको फिलहाल समझा दूंगा। बाकी आप अपने कॉलेज में ही कांटेक्ट कीजिए, वहीं से आपको कंफर्मेशन मिलेगी। कीजिए। और मैंने पहले बोला मुझे मेरे पास कोई नोट्स आ जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन बेहतर है आपके लिए आप कॉलेज की वेबसाइट ही चेक कीजिए, वहीं पे आपको नोट्स वगैरह मिलेगी। और कॉलेज में ही आप फिजिकली चले जाइए वहाँ पे, क्योंकि अभी 18 अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोट्स दिया है 18 से क्लासेस लगा लीजिए। कॉलेज वाले ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन उसको पीछे ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें पीछे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप जो है वो नज़र में ही यहाँ पे आप रख लीजिए। तो ये थी आपकी क्लासेस का शेड्यूल जो मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई और अपडेट होगा वहाँ से वो भी मैं आपके साथ टाइम पर डिस्कस करूँगा। फिलहाल का जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया।